हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सना ब्लॉग्स एंड लाइफस्टाइल। और मैं हूँ सना। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ कि बहुत दिनों से ना मैं एक चीज़ नोटिस कर रही थी कि मैं एक यूट्यूबर हैं जिनकी वीडियोस मैं रेगुलरली देखती हूँ, और मुझे वो इसीलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं, दूसरों के बीच में टांग नहीं अड़ाती। बट कुछ लोग होते हैं ना कि लोग देख कर चलते हैं। इंडिया है, इंडिया में ये चीज़ तो बिल्कुल होने वाली है, ह्यूमन नेचर होता है। लोग जब आगे बढ़ते हैं ना तो बहुत सारे उनकी टांग खींचने के लिए बीच में आ जाते हैं, ना कि उनको थोड़ा बढ़ावा दे कि हाँ अच्छा आप ग्रो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बट लोगों का होता है ना कि क्यों ग्रो कर रही हैं, इन्होंने इतने चैनल क्यों बनाए हैं, ये है वो है। तो गाइज मैं बात कर रही हूँ लखनवी गर्ल रुचि की। तो उनके इस टाइम पे प्रेजेंटली 4 चैनल हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अगर आप लोगों का भी चैनल ग्रो कर रहा है तो आप ज़रूर बनाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे हिसाब से पर्सनली कोई बुराई नहीं है। जिनका चैनल चल रहा है, जो अच्छे कंटेंट लाती हैं, आप लोग बोलोगे अब की कंटेंट क्या होते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी वीडियोस भी वायरल है तो आप भी इसी टाइप का कंटेंट ला सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। किसी और को तो नहीं दिखाती ना, वो अपने घर में ही तो रहती हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो दिखाती हैं पर्सनल अपने ऊपर दिखाती हैं, ना कि किसी के ऊपर बात करके, ये वो फलाना ढिमका कुछ नहीं। मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान देती हैं कि मुझे क्या करना है। और इतनी जल्दी, मतलब इतना ग्रो होना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, मेरे लिए एक तरीके की इंस्पिरेशन है। अब आप बोलोगे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी एक यूट्यूबर के लिए, बिल्कुल मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बट एक होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, क्योंकि एक साथ, मतलब चलो चौथा चैनल तो उन्होंने जस्ट अभी बनाया थोड़े टाइम पहले, बट 3 चैनल चला रही हैं वो रेगुलरली, उन पर वीडियोस डालती हैं, इतनी मोटिवेट करती हैं। आप लोगों को पता है उनसे मोटिवेट होकर कितने लोगों ने चैनल बनाया है। एंड जब मुझे लगता है ना कि मैं मोटिवेट हो रही हूँ और मैं वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ, तो मैं फटाफट से उनकी एक दो वीडियोस देख लेती हूँ, जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अब आप बोलेंगे मोटिवेशन कैसे मिलती है, तो उसका रीज़न भी है मेरे पास। मोटिवेशन मुझे इसीलिए मिलती है क्योंकि वो इतना हार्डवर्क करती है ना, एक बच्चे को संभालना, उसके साथ साथ आप 3 चैनल पे काम कर रहे हो तो कितना हार्डवर्क होगा। आप खुद सोचो, एक बच्चे के साथ हम है ना घर भी नहीं संभाल पाते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने मेड रख ली है और खाना बनाती नहीं है, मेड रख ली है, उन्हीं से वो काम कराती है। तो भैया अगर आपके पास अगर इतना फालतू टाइम है कि आप उनके ऊपर वेस्ट कर रहे हो तो मत करिए ना। आपके पास घर में आई होप कि बहुत सारे काम होंगे, मैं आशा करती हूँ आपके पास बहुत सारे काम हो और आपको टाइम ना मिले उनकी वीडियोस देखने के एंड उनके ऊपर गलत कमेंट करने के। बिकॉज कोई भी यूट्यूबर है, चाहे मैं हूँ, चाहे वो है, चाहे कोई भी है, मैं तो खैर उनकी बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो बहुत छोटी हूँ उनके सामने। और अभी तो मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे YT पे आए हुए, बट फिर भी, और ऐसा नहीं है कि मैं YT पे आने के बाद उनको देख रही हूँ, मैं काफ़ी टाइम पहले से देख रही थी। और मेरा कनेक्शन एक उनसे ये भी हो गया था कि जब उन्होंने प्रेगनेंसी की अपनी न्यूज़ शेयर की थी YT पे, तो उस टाइम पे वो 1 मंथ आगे चल रही थी। इट मीन्स जब उन्होंने शेयर की, उनका बेबी जो है वो सितंबर में हुआ था और मेरी जो बेबी है वो हुई थी मुझे अक्टूबर में। इट मीन्स वो 1 मंथ आगे प्रेगनेंसी में चल रही थी, तो मुझे थोड़ा सा अटैचमेंट इसलिए भी हो गया कि वो क्या दिखाएंगे अपने बेबी के बारे में या कोई भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स के बारे में। वो सब कुछ क्लियर करती थी, जो उन्हें प्रॉब्लम होती थी वो सब बताती, उनके सॉल्यूशंस बताती थी। तो बस इसी वजह से मैं उनके व्लॉग्स देखने लगी धीरे धीरे, और मुझे कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है उनमें। और लोग बोलते हैं कि वो बहुत कभी कभी गुस्से में आ जाती हैं, बिल्कुल आएंगी, क्योंकि मुझे अगर कोई मेरे बच्चे के बारे में बोलेगा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। छोड़ो, चलो उनके बारे में, उनको आप बोलते हो, उनके पति को बोलते हो, बट उनका बच्चा, यार इतना छोटा सा बच्चा है, आप उसके बारे में किस तरीके से बोल सकते हो। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, आपका हो या उनका हो, कोई उसको क्या पता है कि उनकी मम्मी क्या कर रही है, उनके पापा क्या कर रहे हैं। आप लोग जिस तरीके से आते हो, मतलब मैं यूज़ भी नहीं कर सकती, ऐसी वर्डिंग आप डाल देते हो कि आपका बेटा ये है, आपका बेटा ऐसे नहीं कर रहा है, वैसे नहीं कर रहा है। भाई मतलब आपको ज़्यादा चिंता है उनके बेटे, मतलब उनके बेटे की, आप जाकर उन्हें पालते हो, क्या करते हो। जो बैड कमेंट्स करते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। लोग बोलते हैं कि आपका बेटा काला है, तो काले बच्चे नहीं होते, आपने कभी अपनी लाइफ में काले बच्चे देखे ही नहीं है, सांवला है वो, पहली बात तो ये।
आपने कभी अपनी लाइफ में सांवले बच्चे नहीं देखे हैं किसी के, या आपकी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स अड़ोसी पड़ोसी नेबर सब में एकदम गोरे गोरे बच्चे हैं, किसी का आपने सांवला बच्चा आज तक देखा ही नहीं है जो कमेंट्स करते हैं? आपने प्रियंका चोपड़ा को देखा है, वो भी थोड़ी उनकी डस्की स्किन है यार। चलो छोड़ो दूसरों को, अगर रुचि को बोलते हैं फिर भी मैं समझ जाता हूँ, ठीक है यार अपनी अपनी थिंकिंग होती है, कोई किसी को कुछ अच्छा लगता है किसी को कुछ अच्छा लगता है। और वो सबसे बड़ी चीज़ पता है मुझे क्या अच्छे लगते हैं ना, वो कुकिंग दिखाती हैं, कुकिंग भी नहीं दिखाती हैं जैसे कि आप लोग बताएं, आप ही कॉमेंट करते हो। अब आप कई लोग आके ना यहाँ ऐसे बोलेंगे कि लाइक चमची है और इस टाइप से बना रही है वीडियो, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और रही बात चमची होने की, तो मैं किसी की भी चमची नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनके हार्डवर्क को मोटिवेट करती हूँ, और मुझे सिर्फ इसीलिए वो पसंद है क्योंकि वो हार्डवर्क है, हार्डवर्किंग है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करती हैं। आप समझ लो एक छोटा बच्चा, उसके साथ घर भी देखना है। अब आप बोलोगे घर में तो काम ही नहीं करती है, जी हाँ बिल्कुल घर में तो कुछ काम ही नहीं करती है क्योंकि मेड लगा रखी है, तो ये उनका ही तो हार्डवर्क है ना, हार्डवर्क करती हैं तभी तो उनके पास इतने इतनी इनकम हो रही है, उस इनकम के बिहाफ पे वो मेड रख पा रही है, अपने बच्चे को इतनी हेल्दी डाइट दे पा रही है, इतने अच्छे से रख पा रही है, उसको कुछ इतनी सी चीज़ ज़रूरत होती है उसके लिए इतना होता है, तो किसकी बदौलत, रुचि की बदौलत ना। लोगों को पता नहीं है ना, बढ़ते हुए इंसान को देखकर इतनी चिढ़ होती है, इतनी चिढ़ होती है कि बस पकड़ो और उनका बस चले तो उसको पकड़ो और नीचे धकेल दो बस। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग बाग ऊपर जाते हैं यार, मतलब कभी कभी मैं मेरे हस्बैंड से भी बातें करती हूँ कि देखो रुचि ने अभी जस्ट उन्होंने 4th चैनल ओपन किया है, अगर आपकी भी इतनी फैन फॉलोइंग है तो उन्होंने तो 4 खोले हैं, आप 10 खोल दो, ये चीज़ है, उन्होंने तो 4 खोले हैं आप 10 खोल दो, अगर आपकी इतनी फैन फॉलोइंग हो जिस तरीके से आप कमेंट करते हो उसी तरीके से मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे बस इसीलिए पसंद है और हार्डवर्किंग है। और दूसरी बात मैं बताऊँ तो वो ना कुकिंग दिखाती हैं, ना किचन का दिखाती हैं, ना आपको क्लीनिंग वीडियोस मिलती हैं उनके वीडियोस पर, उनके व्लॉग्स पर, बट फिर भी उनके व्लॉग्स इतने अच्छे होते हैं, इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, चाहे वो गन्नू को दिखाएं, चाहे वो आउटिंग दिखाएं, चाहे वो घर में कोई आया हो तब दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, फिर भी इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत इंस्पिरेशन टाइप है वो, मतलब बहुत इंस्पिरेशन वीडियोज़ बनाती है, बहुत मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं वो हमको, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड वीडियोज़ बनाती हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं मुझे। और जब मेरा मन नहीं करता वीडियोज़ बनाने का तो एक दो वीडियो देख लेती हूँ, और अपने आप से मन कर जाता है कि यार एक बच्चा होने के बावजूद वो चार चार उस पर काम कर रही हैं चैनल्स पे, तो मुझे एटलीस्ट एक ही चैनल पे काम करना है। तो बस इसी टाइप से मैं अपने आगे बढ़ते जा रही हूँ देखकर। और प्लीज़ बैड कमेंट्स मत कीजिएगा कि आप अभी थोड़े दिन पहले आपने किसी और ब्लॉगर के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो बिल्कुल मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ये मेरी इंस्पिरेशन है, और ये कमेंट मैंने उनके चैनल पे भी जाके किया था कि ज़रूरी नहीं होता है कि सिर्फ आप एक को पसंद करो, अगर आप वो वीडियो भी देखोगे तो उसमें भी मैंने बोला है कि सिर्फ मैं 2 के वीडियोज़ मोस्टली देखती हूँ, और आज भी सिर्फ मैं 2 के वीडियो ही देखती हूँ, बाकी और किसी के नहीं देखती हूँ, व्लॉग्स में बता रही हूँ मैं, बाकी और किसी के इतने वीडियोस नहीं देखती हूँ, और मुझे सिर्फ ये 2 यूट्यूबर ही पसंद है, व्लॉग्स विद दिव्या एंड लखनवी गर्ल रुचि, ये बहुत हार्ड वर्किंग है एंड वो इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि मैंने व्लॉग्स विद दिव्या की बात कर रही हूँ, वो इसलिए पसंद है क्योंकि मैंने सबसे पहले व्लॉग्स का मतलब ही उनसे जाना था, व्लॉगिंग होती क्या है, और मुझे शुरू से दोनों पसंद है। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड बैड कॉमेंट्स मत कीजिएगा प्लीज़ यार, आप खुद एक लेडी होकर किसी लेडी को मतलब किस तरीके से आप डीमोटिवेट कर सकते हो, मोटिवेट करो, आप भी आगे बढ़ो, उनको भी आगे जाने दो, वो कर रही हैं जो कर रही हैं अपने बलबूते पर कर रही हैं, आपसे कुछ नहीं ले रही हैं वो, ना आपको कुछ गंदा बोल रही हैं, तो आप क्यों करते हो यार, प्लीज़ यार मत करो, गंदी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, एक छोटी सी लाइफ है यार, खुशी खुशी बिता लो, और बस इसीलिए भी वो पसंद है क्योंकि जो होता है मस्त रहती हैं अपने, ठीक है भैया जो हो रहा है होने दो, अपने आप अपनी फैमिली में बिजी रहती हैं, अपने हस्बैंड में बिजी, अपने बच्चे में बिजी, बाकी दुनिया में ठीक है यार, कुछ हम पॉजिटिव करते हैं तो ज़रूरी नहीं है हमें पॉजिटिव ही रिजल्ट मिले, हमेशा हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले ऐसा नहीं हो सकता, कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिविटी से भरे होते हैं तो बस वही आके कमेंट कर देते हैं,
तो बस उन्हीं से मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज गाइस, आप भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए और मोटिवेट कीजिए सबको, और आप भी कुछ करिए। मैं भी अगर आप डालेंगे तो मैं बहुत रेयर, मतलब मैं कभी डीप, मतलब गंदे कमेंट्स होते हैं ना, मैं कर ही नहीं सकती हूँ किसी को, पर्सनली बोल रही हूँ। यार कर रहा है बंदा, अपने काम कर रहा है, ठीक है। अगर कुछ मिस्टेक्स हो भी जाती हैं, कोई उनकी इंग्लिश को लेकर बोलता है, अगर कुछ मिस्टेक्स हो भी जाती है तो यार इग्नोर कर दिया करो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन से, मतलब इतना बड़ा इशू है क्या कि कुछ वर्ड अगर उन्होंने गलत बोल दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी यार सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, जैसा आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए, आपको बैड कमेंट्स करने हैं करिए। ये मेरा पर्सनली सजेस्ट है आप लोगों के लिए कि प्लीज़ आप भी बढ़िए, उनको भी बढ़ने दीजिए, सब आगे बढ़िए। बाय बाय, टेक केयर, बातें करते रहूँगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।